नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आज मैंने सूजी का ढोकला बना के तैयार किया है। बहुत आसान रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी है। जब भी आप चाहें 15 मिनट में आप इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। सुबह के इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी आप इसे बना सकते हैं, और रात को जब कभी हमें कुछ ज़्यादा खाने का मन न करे, दाल चावल सब्जी रोटी, तब भी आप इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत हल्का होता है फ्रेंड्स ये खमन। बेसन का खमन थोड़ा सा हेवी होता है, पाचन में दिक्कत होती है, लेकिन सूजी वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। देखिएगा कितना बढ़िया लग रहा है, तो आप इसे कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया। सूजी का ढोकला बनाने के लिए 1 कप मैंने बारीक वाली सूजी ली है, 1/2 कप दही, 2 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक, उसे मैंने इस तरह से कुचल के रखा है, 1 चम्मच नमक और 1 जो छोटा सा ये शेषे आता है ना इनो का, ये। तो फ्रेंड्स बस इतने ही सामान से हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ढोकला बन के तैयार हो जाएगा। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें जो सूजी है उसे डाल दिया। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो फ्रेंड्स, तो आप उसे एक बार मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लीजिएगा। दही डाल देंगे, अदरक और हरी मिर्च जो कुचल के रखा है उसे डाल देंगे, नमक डाल देंगे और सारी चीजों को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसी कटोरी से नापकर 2 कटोरी में इसमें पानी डाल दूंगी। सारी चीजों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। थोड़ी सी अभी फ्लोइंग है, लेकिन सूजी फूलेगी तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स अगर आपको जल्दी में भी बनाना है तो आप इसी को डायरेक्ट बना भी सकते हैं, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, फिर हम ढोकला बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स 10 मिनट में हमारी सूजी ने रेस्ट कर लिया है और बेटर एकदम से गाढ़ा हो गया है। बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ढोकला बनाने के लिए। और एक बर्तन में जिसमें कि मुझे ढोकला डाल के स्टीम करना है, तो मैंने उसमें हल्का सा ऑयल लगा के रख लिया है। कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, कटोरा ले सकते हैं, रोटी का डिब्बा ले सकते हैं, या इस तरह से केक टिन भी ले सकते हैं। एक बड़े बर्तन में 1 ग्लास पानी डालकर उसमें एक स्टैंड रख दिया है ताकि पानी में भी अच्छे से स्टीम आ जाए। अब फ्रेंड्स ये इनो का जो शेषे था इसे मैंने खोल लिया है, इसे हम डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने इनो का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इनो ना हो तो 1/2 चम्मच आप जो बेकिंग सोडा होता है ना उसे भी डाल सकते हैं। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे जो हमने ऑयल लगा के एक पॉट तैयार किया है उसमें शिफ्ट कर देंगे। इसे अब हम जिसमें स्टीम आ रही है ना पानी में, उसमें से रख देते हैं। अब हम इसे अच्छे से ढक देंगे और 15 मिनट तक इसे हम स्टीम होने देंगे। फ्रेंड्स 10-12 मिनट तो मैं इसे हाई फ्लेम पर रखूंगी और 2-3 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर हम स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा ढोकला बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। देखिएगा कितना बढ़िया हमारा ढोकला दिख रहा है, पूरा ऊपर तक फूल के आ गया है। मैंने इसमें चाकू डालकर देख लिया है फ्रेंड्स, चाकू एकदम साफ निकला है, यानी कि हमारा ढोकला बन चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। खमन अच्छे से ठंडा हो गया फ्रेंड्स, हम इसे छू पा रहे हैं, बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम कोई भी चाकू ले लेंगे और उससे इसकी एजेस इस तरह से थोड़ा सा हटा लेंगे ताकि निकलना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इसकी एजेस इसने छोड़ दी है। बस अब हम इसे प्लेट में डाल लेते हैं। बहुत आसानी से ये कंटेनर से बाहर आ गया है। देखिएगा कितना बढ़िया हमारा खमन बन के तैयार हुआ है, एकदम इंस्टेंट रेसिपी है फ्रेंड्स। इसकी जाली भी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा साइड से भी देख लीजिएगा और ये देखिएगा पूरा इतने अच्छे से स्पंज हो रहा है, बिल्कुल ये है ना, बहुत ही बढ़िया। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे, तो आप छोटे या बड़े जैसे चाहें वैसे इसके पीसेस कट कर सकते हैं। देखिए काटने से ही आपको समझ में आ रहा होगा
इसकी सॉफ्टनेस। खमन के पीसेस मैंने कट कर लिए और देखिए मैं आपको एक पीस पास से भी दिखाती हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया जाली वाला एकदम स्पंजी, देखिए कितना स्पंज आया है इसमें, इतना बढ़िया हमारा खमन बन के तैयार हो गया है। अब हम इस पर तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन रखी है फ्रेंड्स, और छोटे चम्मच से एक चम्मच मैंने ऑयल डाला है, मैं ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब इसमें एक चम्मच हम राई डाल देंगे, राई अच्छे से चटक गई है। एक चम्मच इसमें हम तेल डाल देंगे, 8-10 कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्चे जिसे कि मैंने लंबा लंबा कट करके रखा है, सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से सेक लिया है। अब फ्रेंड्स इसमें एक पिंच के करीब हम हींग डाल देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तड़के को अब हम खमन पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही बढ़िया टेस्टी एकदम लाइट नाश्ता कह लीजिए, आप इसे सुबह के लंच में भी बना सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। और बहुत बार शाम को क्या होता है कि हमें दाल चावल सब्जी रोटी खाने का मन नहीं करता है, तो तब भी आप इसे बना सकते हैं। खमन हम बेसन का तो बनाते ही हैं, लेकिन वो उतना हल्का नहीं होता है, और ये जो सूजी का बनता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा लाइट रहता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैंने तड़के को पूरे खमन पे डाल लिया है, देखिएगा कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। एक बार आप इस तरह से इसका सूजी का ढोकला बनाइए, टेस्ट कीजिए, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।